कैसे हो आप? आज आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, इसके बारे में इससे पहले की क्लास में कुछ बताए हुए थे कि धातु क्या है, तत्व क्या है, अधातु क्या है, उनके भौतिक गुण क्या है, उन सब प्रश्नों पर चर्चा हुई थी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह है सबसे पहले अधातु वर्धनीयता। तो देखते हैं बच्चों अधातु वर्धनीयता क्या होता है। तो यहां लिखेंगे कि अधातु वर्धनीयता का मतलब हुआ कि यदि किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर यदि हम चादर के रूप में, बड़े बड़े चादर के रूप में यदि बदल देते हैं, तो धातु के इसी गुण को अधातु वर्धनीयता कहते हैं। मतलब कि किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर, किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर बड़े बड़े चादर के रूप में, किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर बड़े बड़े चादर के रूप में बदलने की क्रिया को हम अधातु वर्धनीयता कहते हैं। या इसे कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर बड़े बड़े चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं अधातु वर्धनीयता। सबसे ज्यादा अधिक अधातु वर्धनीय एवं तन्य धातु सोना और चांदी को कहा जाता है। बच्चों बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे आते हैं, सबसे अधिक अधातु वर्धनीय धातु कौन होते हैं? तो सोना और चांदी। अब देखते हैं बच्चों तन्यता। तो अधातु वर्धनीयता में देखे हैं कि किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर चादर बनाए हैं, लेकिन तन्यता में पदार्थ को हम लोग पीट पीट कर तार के रूप में बदलते हैं। पीट पीट कर बड़े बड़े तार के रूप में यदि हम परिवर्तित कर देते हैं, तो यही होता है हमारा तन्यता। मतलब किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर लंबे लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो उसे हम तन्यता कहते हैं। एक उदाहरण है, और सबसे ज्यादा तन्य धातु जो है सोना और चांदी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 ग्राम सोना को यदि हम पीट पीट कर तार बनाते हैं, तो वह 2 किलोमीटर लंबा तक दूरी जा सकता है। तो बच्चों हम लोग देख लिए हैं तन्यता का भी जैसे होगा सोना और चांदी, अधातु वर्धनीयता का भी होगा सोना और चांदी। अधातु वर्धनीयता में पीट पीट कर चादर बनाते हैं, लेकिन तन्यता में पीट पीट कर हम लोग तार बनाते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगला टॉपिक से, ध्वनि। मतलब किसी भी पदार्थ को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। किसी भी पदार्थ को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को पीटते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग ध्वनि बोलते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक्स है वह है धात्विक चमक। धात्विक चमक मतलब जितने भी धातु होते हैं उन सभी धातुओं में, जितने भी धातु होते हैं उन सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। मतलब कि जितने भी धातु होते हैं उन सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों हमारा अगला टॉपिक है उपधातु किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, तो उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और आर्सेनिक, यह तीनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। अब देखते हैं बच्चों कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या होता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड यह अम्ल या क्षार, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो इसी अभिक्रिया को या इस प्रकार के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो लिख सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड में कि धातु के ऐसे ऑक्साइड
जो अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखते हैं बच्चों एक बार और, धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे दो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं Al2O3 और ZnO, यह दो उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो देखते हैं बच्चों अगला है एनोडीकरण क्या होता है। तो एल्युमिनियम धातु के ऊपर कोई भी एल्युमिनियम धातु है या एल्युमिनियम से बना कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ पर यदि हम मोटा ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। मतलब कि एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। बच्चों यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एनोडीकरण, और उभयधर्मी ऑक्साइड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब बच्चों चलते हैं थर्मिक अभिक्रिया क्या होता है। थर्मिक अभिक्रिया, तो इसी अभिक्रिया का बच्चा उपयोग जो है रेलवे के जो मशीन होते हैं, पार्ट पुर्जे होते हैं, पटरी होते हैं, उन सभी को जोड़ने के लिए इसी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसका उपयोग रेलवे के मशीन पाटपुर्जे एवं पटरी को जोड़ने में किया जाता है उसे हम थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसका उपयोग रेलवे के मशीन एवं पाटपुर्जे के साथ साथ पटरी को जोड़ने में किया जाता है उसे हम लोग थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लिए बच्चों हम लोग कि आधार वर्धनीयता तन्यता ध्वनिक क्या सब देखने के साथ साथ अब लास्ट टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। देखते हैं बच्चों कोई धातु है, धातु की अभिक्रिया जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो बन जाता है धातु ऑक्साइड। तो यहां लिखा है क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे अगर हम लोग जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, जिंक की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। तो धातु तो हमारा जिंक है तो यहां बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों सिंपल एक ट्रिक हम लोग देखते हैं, कोई भी धातु को यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो उस धातु के नाम के बाद ऑक्साइड लग जाएगा। जैसे जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड, कॉपर की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम की अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम का यदि अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड। कहने का मतलब किसी भी धातु का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम का यदि ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का यदि ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। सिंपल है, और इस पर एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जब जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। उस धातु के नाम में केवल ऑक्साइड जुट जाता है। तो देखते हैं बच्चों कि आप लोग इतना चीज को जान चुके हैं। अब नोटबुक पर प्रश्नों को लिखना प्रारंभ कीजिए और लिखिए आधात वर्धनीयता, लिखकर डैश दीजिए और लिखिए कि किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर बड़े बड़े चादर के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम आधात वर्धनीयता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चांदी और सोना सबसे अधिक आधात वर्धनीय धातु है। अब तन्यता लिखकर डैश दीजिए और लिखिए कि किसी भी पदार्थ को पीट पीट कर बड़े बड़े तार के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम तन्यता कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सबसे अधिक तन्य धातु चांदी और सोना होता है, अर्थात
एक ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। और अगला टॉपिक सैद्धांतिक लिखकर डैश दीजिए और लिखिए, किसी भी पदार्थ को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है जिसे हम ध्वनिक कहते हैं। आप लिखिए धात्विक चमक, लिखकर डैश दीजिए और लिखिए, प्रत्येक धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। अब आइए अगलो बच्चों, उप धातु लिखकर डैश दीजिए और लिखिए कि वह पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो उसे हम उप धातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि। अब लिखिए बच्चों अगला टॉपिक्स होगा कि क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। तो आंसर में लिखिए, जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। एक लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, धातु प्लस ऑक्सीजन, तीर चिन्ह के बाद लिखेंगे धातु ऑक्साइड। जैसे लिखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर चिन्ह के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलते हैं बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक्स है उभयधर्मी ऑक्साइड, लिखकर डैश दीजिए और लिखिए कि धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 और ZnO दो उभयधर्मी ऑक्साइड है। आप बच्चों लिखिए एनोडीकरण, लिखिए डैश दीजिए, लिखिए एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। अब बच्चों एनोडीकरण के तुरंत बाद और लास्ट टॉपिक थर्मिक अभिक्रिया, लिखकर डैश दीजिए और लिखिए, वह अभिक्रिया जिसका उपयोग रेलवे के मशीन, पार्ट पुर्जे एवं पटरियों को जोड़ने में किया जाता है तो उसे हम थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इन तमाम टॉपिक्स को नोटबुक पर लिख चुके होंगे। अब फिर हम लोग अगले टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बताए गए तमाम टॉपिक्स को याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। तो बच्चों अब अगला टॉपिक्स अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।